का हमारा टॉपिक है, और अगर आपके सामने जो स्लाइड आ रही है उसको देखें आप, तो जमीन को डिफरेंट तहों में तकसीम किया गया है। जो सबसे ऊपर वाली पोर्शन है उसको, एक तो होती है ना सरफेस, ठीक है ना, जिसके ऊपर वेजिटेशन है, समंदर है, दरिया है, ये वो, ठीक है, इसको आप लिथोस्फियर कहते हैं, कूल रिजिड और ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाने वाली। उसके बाद तकरीबन आप 100 किलोमीटर नीचे जाएं तो एस्थेनोस्फियर होती है, जो कि वीक और प्लास्टिक होती है, ये जो जलजले वगैरह होते हैं ना वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। मीजोस्फियर 350 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होती है, टेम्परेचर प्रेशर, जू जू आप लिथोस्फेयर से नीचे मेंटल की तरफ जाते हैं, जो कि ये दरमियान वाली लेयर है, वो इंक्रीज होते जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होते जाते हैं। देखो जू जू ऊपर ज्यादा आएगा, उसे क्या कहते हैं आप, वजन ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बिल्ट होगा, और प्रेशर ज्यादा बिल्ट होगा तो आपको पता है कि इवन के जब आप पका रहे होते हैं प्रेशर कुकर में, तो ज्यादा टेम्परेचर अचीव करने के लिए उसको कुकर का यूज करते हैं। तो सिमिलरली जमीन के अंदर भी यही सिलसिला चलता है, बेसिक फिजिक्स का अमल दहल है। जो सबसे ऊपर वाली होती है वो कॉन्टिनेंटल होती है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल होती है, उसके बाद लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर तक हम आ गए थे। ये भी मीजोस्फेयर, ये बार बार वो रिपीट कर रहा है ताकि आप लोग जो हैं वो मानूस हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं इसकी टर्मिनोलॉजी से। तो आपकी मीजोस्फेयर के बाद नीचे जो पोर्शन आता है उसको मेंटल कहते हैं, और मेंटल, MENTLE, मेंटल। और उसके बाद सोल जो इनर कोर आता है, इनर कोर के दो पोर्शन है, आउटर और इनर, ठीक है ना, इनर सॉलिड कोर और आउटर सॉलिड कोर। तो मैं एक दफा दोबारा रिपीट करने में लगा हूं जी, कॉन्टिनेंटल, लिथोस्फेयर, एस्थिनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मेंटल और इनर कोर, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो अर्थ की सरफेस की मतलब छोटी छोटी सी लेयर्स हैं, जो कि इंट्रोडक्शन के एतबार से आपको होनी चाहिए और MCQ के परस्पेक्टिव में भी आ जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है अर्थ की एवोल्यूशन कैसे हुई थी। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो देखो, जमीन बनी थी 4.4 बिलियन ईयर्स अगो में, ठीक है। जो सबसे पहला अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन साइनाइड थी, ठीक है, अमोनिया, मीथेन, इस तरह की थी, गैसेस थी ढेर सारी, हाई प्रेशर था, ये वो, ठीक है। फिर विद इन 1 मिलियन ईयर्स, जो 1 बिलियन ईयर्स जो था वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया, जो एटमॉस्फेयर था, जो कॉमन गैसेस थी उनको टेक ओवर किसने कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन वगैरह में, और ग्रेजुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो प्रेजेंट लिविंग एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन हमारे पास आ गई। तो हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, मीथेन से हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और फिर नाइट्रोजन की हाईएस्ट कंसेंट्रेशन और ऑक्सीजन की तरफ चलते गए। तो ये जी हमारे पास इसकी केमिकल कंपोजिशन है। अब जो केमिकल कंपोजिशन है अर्थ की, इसके अंदर आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर की मैं बात कर चुका हूँ कि कितना कितना डिस्टेंस है, 3.5, पहला 1 to 100 जो है वो आ जाता है आपके पास मीजोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद 350 के बाद मीजोस्फेयर शुरू हो जाता है, उससे पहले लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और फाइनली जो ऊपर की तरफ होती है जमीन के ऊपर, वो एटमॉस्फेयर जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बेसिक्स जो है वो आपको ज्योग्राफी के यहाँ से पता चल जाना चाहिए, डिफरेंट लेयर्स के कौन कौन सी होती हैं, ऊपर से नीचे जाए तो किस तरह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। अब ये अर्थक्वेक क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जीके के परस्पेक्टिव में। अब अर्थ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना जमीन का, वही एविडेंस देता है अर्थक्वेक्स की। मतलब फॉर एग्जांपल सिज्मिक वेव्स हैं, ठीक है। अब इसमें या सरफेस वेव है जो कि जिन्हें एल वेव भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल जमीन के, जब अर्थक्वेक आता है ना तो जमीन की सरफेस के साथ साथ चलते हैं। अब जो पी और एस वेव्स के, इनमें जो पी वेव्स हैं वो कंप्रेशनल है, कंप्रेशनल वेव्स हैं, और एस वेव्स जो हैं वो शियर वेव्स हैं, कंप्रेशनल और शियर वेव्स। अच्छा, अब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चला? एक जो जहां से जलजला आता है ना, जहां से आप वेव्स शुरू होती हैं उसको कहते हैं एपिसेंटर। जो पी और एस वेव्स है ना, ये अपना पहले वाला पोर्शन जो है जमीन का, जिसको हमने मीजोस्फेयर तक कहा था, उसमें अपना एंगल जो है वो चेंज करती हैं और 105 तक आके
गुजरती हैं। पी वेव्स शेडो बनाती हैं और पी और एस वेव्स की मदद से हम अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड कर सकते हैं पी और एस वेव्स की मदद से। तो इसके अंदर बार बार वही चीजें डिस्कस हो रही हैं जो एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट के इनर कोर के अंदर आयरन और निकल, ये जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है जमीन का इनर कोर, उसके अंदर क्या होता है आयरन और निकल और वो क्या होता है सॉलिड। इनर कोर के अंदर आयरन और निकल होता है और वो सॉलिड होता है, ठीक है। जो कोर का आउटर पोर्शन है वो लिक्विड होता है, ठीक है, इसीलिए तो मैग्नेटिज्म होता है अर्थ का। उसके बाद जो मेंटल होता है वो बाकी सारे पोर्शन सॉलिड होते हैं। इसमें ये याद रखना है कि जो आउटर कोर होता है ना वो क्या होता है लिक्विड होता है। अब सिलिकेट्स मेंटल के अंदर होते हैं, मैफिक सिलिकेट्स जो है वो जिसमें मैग्नीशियम और आयरन और यहाँ पर सिलिकॉन और जो है वो दूसरे सिलिकेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो जो आपने याद रखना है कि आयरन और निकल वाला आउटर कोर सिर्फ ये लिक्विड होता है और बाकी सॉलिड होते हैं। ओशियनिक क्रस्ट में मैफिक सिलिकेट्स होते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियालिक सिलिकेट्स होते हैं। ओशियनिक क्रस्ट में मैफिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियालिक सिलिकेट्स होते हैं। तो ये इसमें बेसिक्स जो हैं आपके जियोग्राफी से रिलेटेड के किस किस तरह से होती है। अब ये देखो इसके अंदर जो थिकनेस होती है ना वो क्रस्ट की 75 किलोमीटर, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ताकि आपको याद रहे। तो ये जी बेसिक चीजें थी आपकी जियोग्राफी के बेसिक्स से रिलेटेड। उसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट जियोग्राफी की बेसिक थ्योरी है उसे। पहले तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता कैसे है। अब हमने देखना है कि आपके जियोग्राफी के अंदर जो कौन सी थ्योरी है, जैसे बायोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन चलाती है, जियोग्राफी के अंदर कौन सी थ्योरी चलाती है पूरे जियोग्राफी को। तो जो हमारी जमीन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी अप्लाई किया गया। इस थ्योरी का मतलब यह है कि जो जमीन का हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि मतलब 0 से लेके 30 किलोमीटर कर ले या 0 से 70 किलोमीटर, उससे नीचे तो मीजोस्फेयर जो है वो शुरू हो जाती है, वो क्या करती है, वो डिफरेंट प्लेट्स का मजमू है। ये प्लेट्स जो है वो एक्सप्लेन करती हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मौजूदा हालत में क्यों मौजूद हैं, अपनी असल हालत में ये कॉन्टिनेंट्स क्यों मौजूद हैं। ये बेसिक चीज जो है वो उसको शो करती है जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थ्योरी होती है। तो ये बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थ्योरी और बेसिक थ्योरी जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है और ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि वो प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही हैं। तो ये सिंपल सी दो थ्योरीज जो है वो आपको, और यही प्लेट्स की मूवमेंट एक्सप्लेन करती है जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जलजले या फिर, अच्छा अब क्वेश्चन बनता है ना कि जी यहाँ पर नक्शे में गैप क्यों है, यहाँ पर गैप क्यों है, और ये एक दूसरे मौजूदा कॉन्टिनेंट्स अपनी असल हालत में इस हालत में क्यों मौजूद है, और वो इसीलिए मौजूद हैं इन प्लेट्स की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी की वजह से, और उसको आप कंबाइन करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ। तो या तो प्लेट आपस में एक साथ मूव कर रही है, पैरेलल मूव कर रही है, या फिर अपोजिट डाइवर्ज कर रही है, या कन्वर्ज कर रही है, या ट्रांसफॉर्म कर रही है। अच्छा जैसे यहां पर देखें तो अगर तो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है तो वो कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। जैसे ये जो आपका कोई हिमालया है, जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आती हैं और कन्वर्ज करती हैं तो माउंटेन बिल्डिंग होती है। जब प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं तो माउंटेन बिल्डिंग होती है। ये माउंटेन बिल्डिंग की एग्जांपल कोई हिमालया की सूरत में हमारी इंडियन प्लेट की मौजूद है, जहां पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिल रही हैं और क्या बन रहा है कोई हिमालया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कोई हिमालया किन दो प्लेटों के मिलने से बन रहा है, यूरेशियन यूरोप वाली और इंडियन हमारे इंडिया वाली जो प्लेट है, ये इन दोनों के आपस में मिलने से तो जो है वो। तो जहां जहां पे प्लेट्स कन्वर्ज कर रही है वहां पर माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, वहां पर माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। जैसे आपके यूरोप के अंदर जो एल्प्स माउंटेन्स हैं, इस तरह अमेरिकन माउंटेन्स हैं, वो क्या करती हैं, वो
एक्सप्लेन करती हैं इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की वजह से ही, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन करती है। अच्छा अभी एक और है जिसमें डाइवर्ज करती हैं, डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जाना, दूर जाना। जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो जमीन के दो हिस्से जब दूर जा रहे हैं तो दरमियान में जाहिर है गढ़ा बनेगा, तो वहां पर क्या बनेंगे, ओशंस बनेंगे, लेक्स बनेंगी और आपके छोटे मोटे जो है वो वादियां बनेगी, वैलीज बनेगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें ये जो रेड सी है, अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट और जो मिडल ईस्टर्न प्लेट है, अफ्रीकन और मिडल ईस्टर्न प्लेट को आपस में क्या कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है। इसी तरह से ये जो इंडियन प्लेट है ना, जिसमें इंडियन प्लेट और जो आपकी अफ्रीकन प्लेट है ये एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही है। जब ये डाइवर्ज कर रही है तो यहां पर बहुत ही गहरी खाइयां मौजूद है, ठीक है, बहुत ही गहरी खाइयां मौजूद है समंदर के अंदर नीचे, जिनमें से एक खाई है जिसे कहते हैं मेरियाना ट्रेंच, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बुलंदी में, मतलब जमीन के नीचे है, माउंट एवरेस्ट से ज्यादा हाइट में जमीन के नीचे है, ठीक है ना, मतलब ये कि समंदर के नीचे जा रही है। तो वो क्यों है, क्योंकि वहां पर डाइवर्ज कर रही हैं इंडियन प्लेट्स और जो पैसिफिक ओशन के अंदर है, ये बाय द वे पैसिफिक ओशन है। तो ओशन वगैरह मैं आपको वर्ल्ड मैप जब कराऊंगा आपको चीजें समझ लगना शुरू हो जाएंगी, फिलहाल आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड बेसिक चीजें जो है वो समझ लग जाएं। अच्छा यहाँ पर रिंग ऑफ फायर एक चीज है, रिंग ऑफ फायर जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर यूरेशियन और पैसिफिक प्लेट, देखो ये पैसिफिक प्लेट है और ये वाली जो है ये पैसिफिक प्लेट है और ये वाली पैसिफिक प्लेट है और ये वाली आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। ये जब दोनों आपस में टकरा रही हैं तो मैंने कहा था जब प्लेटें आपस में कन्वर्ज करती हैं तो माउंटेन बिल्डिंग होती है, माउंटेन बिल्डिंग होती है तो यहाँ पर क्या बनेंगे, वोल्केनोज बनेंगे। तो यहाँ पर ये रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर ढेर सारे जो है हर वक्त वोल्केनोज एक्टिव होते हैं, इंडोनेशिया, फिर ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया का एरिया है ये इसके अंदर आता है एरिया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ लगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट क्या होती है। एक होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स वो होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल मतलब इकट्ठी रगड़ खा रही हैं, और अर्थक्वेक के एतबार से ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, अर्थक्वेक के एतबार से बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। मतलब एक मूवी थी सैन एंड्रियास मूवी, ठीक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी सैन एंड्रियास एक बड़ा बिजी शहर है अमेरिका का, तो वहां पर ट्रांसफॉर्म प्लेट है वो आपस में रगड़ खाई, जलजला आ गया, सब कुछ तबाह हो गया, इससे रिलेटेड मूवी है। तो वो क्यों, क्योंकि वहां पर पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ट्रांसफॉर्मली एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं, तो ये जलजले के एतबार से सबसे खतरनाक। जलजला तो हर प्लेट मूवमेंट से आता है, देखो जमीन की इतनी बड़ी मतलब 70 किलोमीटर जमीन है, अगर वो मूव करेगी तो जलजला तो आएगा, चाहे वो ट्रांसफॉर्म हो, कन्वर्ज हो, डाइवर्ज हो। मसला ये है कि दरिया वगैरह मतलब ये कि लेक्स या फिर इसे कह लें छोटे समंदर, वो तब बनते हैं जब वो डाइवर्ज करें, वोल्केनोस और माउंटेन्स तब बनती हैं जब वो कन्वर्ज करें, और सख्त किस्म का जलजला जो कि आप याद रख लें इस मूवी से, सैन एंड्रियास मूवी से, तो वो जब ट्रांसफॉर्म मूवमेंट उनकी होती है, प्लेट्स आपस में ट्रांसफॉर्म मूवमेंट से चलती हैं, तो उससे सख्त किस्म के जो है वो अर्थक्वेक्स आते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, ये आपको पता चल गया। बाकी ये जो डिटेल्स हैं ये जो स्पेसिफिक ज्योग्राफी पढ़ रही है उनसे रिलेटेड है, आपको इतनी डिटेल्स में इनके जाने की जरूरत जो है वो नहीं होती। अच्छा उम्मीद करता हूँ इन तीनों का। अच्छा अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भेजी किस बनाई किसने थी, ये था अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर। इसका ख्याल था कि पहले पहले दुनिया सारी मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट थी, सारे लैंड मासेस इकट्ठे थे, उसे इसने पेंजिया कहा, क्या कहा, पेंजिया कहा, ठीक है, इन्हें कहा कि जी ये पेंजिया है जी, सारे इकट्ठे इकट्ठे हैं जी, पेंगिया कह लो, पेंजिया कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है, तो ये जितने कॉन्टिनेंट्स थे ये इकट्ठे थे। फिर उसने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अलहदा होना शुरू हो गए, शुरू में तो पेंजिया था या पेंगिया, बाद में वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ऊपर वाला लोरेशिया कहलाया गया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला लोरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो परमियन में, परमियन जो कि 225 मिलियन ईयर्स अगो है, जमीन 4 बिलियन साल पहले, 4.4 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, तो पेंजिया 225 मिलियन साल पहले था, और 200 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड में लोरेशिया और गोंडवाना लैंड था, 135 मिलियन साल
65 मिलियन साल मजीद जब गुजरे तो देखो कॉन्टिनेंट्स में आना शुरू हो गया, ठीक है। फिर क्रिटिशियस में जो है वो 65 मिलियन ईयर्स अगो फर्दर एक्सपेंड हुए और मौजूदा हालत जो है वो आज आपके सामने मौजूद है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। असल में आपको समझाना है कि थ्रू द डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो परमियन, ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटिशियस, प्रेजेंट डे, ये आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। आप तो मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो हैं वो डिफरेंट यूनिट्स हैं। लेकिन आपको याद रखने की बात है कि अल्फ्रेड वेजनर ने कहा था, पेंजिया था, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और फिर थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम 225 मिलियन टू 65 मिलियन क्रिटेशियस के बाद प्रेजेंट डे में आ गए। अब इसकी सबूत हमारे पास क्या है? सबूत ये है कि जो फॉसिल हमें अफ्रीका से मिलते हैं वही हमें साउथ अमेरिका से मिलते हैं। जब हम उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं या रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये मतलब सेम एरा के हैं। तो अगर ये दोनों जमीन के हिस्से इकट्ठे ना होते तो सेम फॉसिल्स हमें सेम एरा की रॉक्स से कभी भी ना मिलते, तो ये इसकी एविडेंस होगी। बहरहाल अगर आप इन सबको, मौजूदा जो वर्ल्ड मैप है इसको इकट्ठा करें, जोड़ें, तो आपको ये समझ लगती है कि जनाब ये तो, जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपको समझ लगती है कि ये तो आपस में जुड़ जाते हैं, दूसरे के पास आ जाते हैं। मसलन ये देखो, ये अफ्रीका इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, इन दोनों को जलाओ तो ये भी मुड़ जाएंगे, इनको आपस में जोड़ो तो ये भी परफेक्टली असेंबल, मतलब ये कि जो जुड़ मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फ्रेड वैगनर का जो हाइपोथेसिस था वो काफी हद तक ठीक था। तो दो, एक तो फॉसिल्स होगा, दूसरा इनको जलाओ, मिलाओ जलाओ तो मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो उसने मिला के भी दिखाया, ये हो गया, ये प्रेजेंट डे वर्ल्ड है ना, तो इसको मिलाया तो वैसे बन गई। अच्छा, ये किसकी वजह से है? ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से है, जो ये कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आप वर्ल्ड मैप लें, ठीक है ना, 120 रुपए का आपको वर्ल्ड टाइम्स का मिल जाएगा, उसके सारे कॉन्टिनेंट्स काटें, फिर बीच में से ओशंस निकाल दें और उनको आपस में जोड़े, वो इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंट्स तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और अर्थक्वेक्स और डिफरेंट किस्म की दूसरी चीजें भी वो हमें इसी बेस पर ही जो है वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स पे बिलीव ना करें तो हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि यार आतिशफशां क्यों फटता है, वोल्केनोस क्यों आते हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं। तो फिर वही पुराने लोग जैसे कहते थे कि जी फलाना खुदा ऐसे करता है, फलाना खुदा, वही थ्यूरीज है। लेकिन साइंस जो है वो ये जो दो थ्यूरीज हैं वो इन सारी मिथ्स को जो है वो खत्म कर देती हैं, स्पेसिफिकली अपनी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग की वजह से और बेसिक साइंस की वजह से, ठीक है। तो ये तो बायोलॉजी के स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से फोर्सेस बनते हैं। प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जन, कन्वर्जन जो है वो ट्रांसफॉर्म मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये देखो अलहदा जा रहे हैं, और इसे जो है वो नीचे ट्रेंचेस बन रही हैं, अगर समंदर के नीचे हो तो यहाँ पर कन्वर्ज कर रही हैं, तो लिथोस्फेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, देखा नीचे से डिस्ट्रॉय जा रही है, यहाँ पर लिथोस्फेयर जनरेट हो रही है। तो जब डाइवर्ज करती हैं तो प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्ज करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो या तो लिथोस्फेयर जनरेट होती है, ठीक है ना, क्योंकि लावा नीचे से आके तो ऊपर जमता है ना, जो मैग्मा होता है लावा, ठीक है, वो आके ऊपर जमता है तो क्या होता है, लिथोस्फेयर जनरेट होती है। लेकिन उससे कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होती, तो है लेकिन लार्ज स्केल नहीं होती, मूवमेंट तो ज्यादा फील होती है, उसकी मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन लिथोस्फेयर जो है वो डिस्ट्रॉय कन्वर्जेंट पर होती है, कन्वर्जेंट पर लिथोस्फेयर डिस्ट्रॉय होती है और डाइवर्जेंट पर लिथोस्फेयर क्रिएट होती है। ये एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के अतबार से आपके लिए समझना जरूरी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात के ओशन ओशन, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक, ये मतलब ये कि ओशन का जो बाउंड्री है ना उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है जो लैंड के ऊपर जमीन है। तो जो कॉन्टिनेंट और ओशन का फ्लोर है उसकी डेंसिटी में फर्क है, ओशन और उसकी डेंसिटी में क्या है, फर्क है। तो आमतौर पर देखो जब जमीन मतलब डिस्ट्रॉय होती है ना, उसको सबडक्शन भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर एमसीक्यू आ जाएगी जी कैसे हो रहा है, उसको सबडक्शन कहते हैं। जब दो मतलब यहां पर देखो ना, ये ट्रेंच बन रही है, आपस में मिल रहे हैं, और क्या हो रहा है इससे, सॉरी मतलब ये कि कन्वर्जन पे ट्रेंचेस बनती है ना, तो मैं डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट कह रहा था, तो उससे वोल्केनोज बन रहे हैं नंबर वन, दूसरा ट्रेंच बन रही है, और तीसरा अर्थक्वेक जो है वो आ रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म जो है वो ऐसी होती है। अब आपको एक चीज बताना जरूरी ही रह गया है, वो है कि ये हिमालयास वाली बात जो मैं कर रहा था यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह से उसको एक्सप्लेन की जाता है। मिड ओशियनिक रिज के जो समंदर के दरमियान में रिज होती है उसकी वजह से
तो ये सारी जो है वो आपको बेसिक जो है ज्योग्राफी से जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेसिक आपको हो जाती है इसको आप पढ़ें तो। अच्छा, अब मजीद मैं चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वोल्केनिज्म, ये भी एमसीक्यूज के अतबार से, ज्योग्राफी के अतबार से इंपॉर्टेंट है। कल हम नक्शा करेंगे, आज हम बेसिक्स करेंगे, कर रहे हैं। तो जो वोल्केनोज हैं वो लावा, मतलब जब वो सबसे ऊपर जमीन से बाहर होता है तो उसे लावा कहते हैं, जब वो जमीन के अंदर होता है तो मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो जो वोल्केनिक ऐश और वोल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं उसे पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। लहार्स वगैरह जो वोल्केनिक ऐश है, ठीक है, और जो गैसेस वगैरह हैं वो डेडली गैसेस वगैरह, ये सारी क्या होती हैं, लहार्स, जो कि मतलब ये कि बहुत खतरनाक होती हैं और बड़ी तेजी से फ्लो करती हैं। जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है ये लेस प्रिडिक्टेबल है और मतलब दूर दूर तक उड़कर जाता है। तो दोनों में फर्क है, लहार जो है वो फ्लो करता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल फट फट कर पड़ता है, और लावा जो है वो लिक्विड मैग्मा होता है जो कि जमीन से बाहर आ जाता है। जो जमीन के अंदर होता है लावा तो उसको मैग्मा कहते हैं, बाहर आता है तो उसको लावा कह देते हैं। सिंपल सी ये अपने एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी जुअलॉजी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर, जू जियोग्राफी का एक पूरा पोर्शन है ये, उससे काफी ज्यादा बेसिक्स आपकी इसी लेक्चर से उसकी कवर होंगी। तो जी मतलब ये कि दुनिया में डिफरेंट जगह पर जो है वो वोल्केनोज मौजूद हैं, जहां पर डाइवर्ज हो रही हैं या कन्वर्ज कर रही हैं। कुछ हॉटस्पॉट्स होते हैं जो कि मतलब किसी वक्त भी एक्टिव हो सकते हैं, और इंट्राप्लेट वोल्केनोज हैं जो दो प्लेटों को ओवरलैप कर रहे हैं, सब ग्लेशियल, मतलब ये कि जो ग्लेशियर से रिलेटेड है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जी जो कि अल्टीमेटली आपको बताती हैं कि किस तरह से लावा या फिर मैग्मा फ्लो करते हैं। तो इनकी कंडीशन जो है वो सिंपल सी है, और आपके लिए इतनी डिटेल में जाना इसके बारे में जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा बेसिक अगर आप इसको पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा। मसलन ये कि वोल्केनो तो आपने देखे होंगे, हवाई आइसलैंड, इसके बड़े मशहूर वोल्केनो हैं। ये होती है कोन टाइप, मतलब ये कि मैक्सिको और एरिजोना, ठीक है, अमेरिका, यहाँ पर ये इस तरह के वोल्केनो आपको मिलते हैं जो कि आपको सेंडर कोन्स की सूरत में नजर आते हैं। जो वोल्केनो का मुंह माउथ होता है उसको क्रेटर कहते हैं, ठीक है, जो उसके नालियां सी बनी होती हैं उसको आप डाइक कहते हैं, वो वाला सुराख जहां से मैग्मा बाहर आ रहा होता है उसको आप वेंट कहते हैं। तो वेंट क्रेटर मुंह हो गया, वो वाला सुराख जहां से मैग्मा आ रहा है उसे वेंट कहते हैं, और जो नालियां साइडों पर हैं उसको डाइक बोला जाता है। जब लावा बाहर आता है उसे लावा कहते हैं, अंदर मैग्मा होता है, सिंपल सी बात है। मैग्मा चैम्बर से ये चीजें जो है वो आती हैं। एरियल बॉम्ब को पायरोक्लास्टिक फ्लूड जो है वो कहा जाता है। अब ये क्रेटर लेक है, ये क्या है, ये किसी दौर में क्या था, एक आ, आ, किसी वोल्केनो का मुंह था, ठीक है। तो यहाँ पर अब बारिशों से क्या हुआ है, पानी इकट्ठा हो गया तो इसको क्रेटर लेक कहते हैं। तो इसी तरह से लेक भी बनती है। तो गाइजर्स होते हैं जो मतलब गर्म जो पानी भाप बन के बाहर निकलता है जमीन के अंदर से, उसको गाइजर्स वगैरह कहते हैं। तो ये जी बेसिक्स चीजें जो कि आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक कैलड्रा होता है चीज, ये पूछा जाता है आमतौर पर कि जी कैल्ड्रा क्या है। जो ये वाली जो मतलब देखो है ना, सारे का सारा जहां पे आपको पानी नजर आ रहा है और बीच में बेशक ये एक और वोल्केनो भी मौजूद है, ये कैल्ड्रा है। तो एक तो पूरे का पूरा हो गया क्रेटर, उसके अंदर जब आ जाता है तो उसे कैल्ड्रा कहते हैं। वोल्केनो एक्टिव भी होते हैं जो कि मतलब चल रहे होते हैं, जैसे जो है वो आपके इटली के अंदर माउंट एडना है, ठीक है, हवाई के अंदर किलोवा है, ठीक है, माउंट लेसन जो है वो वोल्केनो है, मैमथ माउंटेन कैलिफोर्निया, और क्रेटर लेक ये डोरमेंट है, ये किसी वक्त भी एक्टिव हो सकते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ये इनएक्टिव है तो डोरमेंट हो गई है। सिमिलरली अगर हम आए एक्सटिंक्ट की तरफ, तो एक्सटिंक्ट वो वाले हैं जो कि लगता है कि अभी मतलब रिसेंट हिस्ट्री में या फिर प्री हिस्टोरिक हो गए हैं, एक्टिविटी उनकी जो है वो ठीक नहीं आ रही। तो मतलब यहाँ पर एक्सटिंक्ट, डोरमेंट और एक्टिव का फर्क आपको समझ लग जाना चाहिए। तो ये बेसिक्स हो गया। उसके बाद ये अर्थक्वेक, बड़े इन है आजकल अर्थक्वेक के बारे में समझना कि ये कैसे होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स अगर समझ लग गया तो अर्थक्वेक सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, समझ लगना शुरू हो गई। एस और पी वेव्स जो मैंने कहा था ना कि जो एंगल बदलती हैं, सिमिलरली यही वेव्स जो हैं वो बाद को आपको अर्थक्वेक समझने में हेल्प करेंगी। एस और पी वेव्स की वजह से हमने ये जाना था, हमने ये समझा था कि किस तरह से जो हमारी आपकी है ना
जमीन का अंदरूनी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर वो है कैसा, ये एस और पी वेव्स ने हमें समझाया था। जब हमने एस वेव्स डाली जमीन के अंदर से और या पी वेव्स डाली तो उनके एंगल चेंज हुए, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर डेंसिटी कम है या ज्यादा है, उस वजह से वो पहले मतलब ये कि मैं गो थ्रू कर दिया था लेकिन आपको पता। अब अर्थक्वेक का हमेशा एक फोकस होता है, ठीक है ना, और अर्थक्वेक ये आपको ना गोल दायरों की सूरत में, लाइनों की सूरत में आपको जो है वो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आता है। जो आगे वाली होती है उन्हें वेव फ्रंट कहते हैं, वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो जहां पर ये अर्थक्वेक दो प्लेट्स आपस में, यहां पर अगर देखो तो ये आपस में मिल रही हैं, ठीक है ना, अगर वो मिल रही हैं तो ये फॉल्ट लाइन होती है, ठीक है ना, अर्थक्वेक की फॉल्ट लाइन होती है जहां पर अर्थक्वेक। तो फोकस क्या होता है, फोकस होता है वो पॉइंट बीनीथ द सर्फस, जमीन के अंदर, ठीक है, उसको जहां पर रॉक जो है वो टूटती है और रॉक जो है वो हरकत करती है उसको फोकस कहते हैं। तो ये जमीन के अंदर होता है, देखा ये फोकस हमने जमीन के अंदर रखा है, लेकिन एपी सेंटर देखो किधर है, एपी सेंटर अबव द फोकस होता है, बिल्कुल फोकस की सीध में जमीन के ऊपर, तो ये अर्थ की सरफस पर होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि जी एपी सेंटर और फोकस में क्या फर्क है, फोकस जमीन के अंदर होता है और बिल्कुल फोकस की सीध में, बिल्कुल फोकस की सीध में ऊपर जो है वो क्या होता है, एपी सेंटर, बिल्कुल एपी सेंटर कहां पर होता है, बिल्कुल फोकस की सीध में ऊपर, जमीन के ऊपर, लेकिन फोकस जमीन के अंदर होता है। सीज़मिक वेव देखो वो आ गई ना, शेयर वेव्स और बॉडी वेव्स जिसकी मैं जिक्र कर रहा था आपसे, तो यहां पर आ गई है वो दोबारा। तो जो कंप्रेशनल और पी वेव्स हैं और शेयर एस वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स पी वेव्स भी कह देते हैं इनको, कंप्रेशनल भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स को एस वेव्स या शेयर वेव्स। तो शेयर वेव्स, सेकेंडरी वेव, एस वेव इससे जाहिर कर लो, और पी जो है वो दूसरी कंप्रेशनल वाली होगी। सिंपल याद रख लें इस छोटी सी बात से कि किस तरह से होता है। अच्छा, अब जो अर्थक्वेक को ना रिक्टर स्केल के जरिए से मेजर किया जाता है, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्टर स्केल से मेजर किया जाता है, जो इंटेंसिटी है वो मरकाली स्टेल से मेजर की जाती है। इसमें देखो आमतौर पे पूछा किसका जाया किसका पूछा जाता है अर्थक्वेक का, मरकाली पूछ लेता है वो। आप रिक्टर स्केल को क्लिक करके आ जाते हो तो बाद में पछताते रहते हो कि यार शायद मेरा ठीक था, आपको 100% श्योर होता है कि ठीक था, लेकिन नहीं, मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल फाइंड करता है, रिक्टर स्केल निकालता है, और इंटेंसिटी मरकाली स्टेट, जो सिस्मोग्राम होता है वो अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है कि उसकी मतलब ये कि जैसे हार्ट बीट होती है ना, और अर्थ बेट की अर्थक्वेक की जो है वो उसको पूरे अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। तो रिक्टर, मरकाली और सिस्मोग्राम, ये तीन चीजें हमने यहाँ पर, ये ऐसे होते हैं इसकी जरूरत नहीं है, आपके रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेकिन रेलेवेंट आए थे, पाकिस्तान में जो है वो 2005 में आया था और उसमें 8,000 बंदे मिले थे, उसका जो है वो 7.6 मैग्नीट्यूड था, ठीक है, तो ये याद रखना है के उसका क्या था। और यहाँ पर जो था वो 2013 में आया था वो 7.8 था, लेकिन देखो उसका फोकस जो था ना वो जमीन से क्या था, वो जमीन से दूर था, 7.8 वाला था वो ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन चूंकि उसका फोकस जमीन से दूर था, फोकस और एपी सेंटर का आपस में डिस्टेंस ज्यादा था, तो क्या हो गया, उससे ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई। लेकिन 7.6 वाला था उसमें देखो 500 बंदे मरे हैं, ठीक है, यहाँ पे 80,000 बंदे मरे हैं, क्यों, क्योंकि फोकस और जो है ना मैं आपको बता रहा था इसका डिस्टेंस, फोकस और एपिसेंटर का डिस्टेंस वो ज्यादा हो तो कैजुअलिटीज कम होती हैं, अगर कम हो तो वो कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं। अब होते क्यों है जी, अब वोल्केनिक है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, वो बेसिक चीजें आपके समझने के लिए हैं, बाकी इतना डिटेल आपके लिए जरूरी जो है वो नहीं है। ये सारी थ्योरीज हैं, ये भी हमारी जूलॉजी से या इस पेपर से या फिर जीके से इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब ये जियोमॉर्फिक साइकिल है, ये मतलब ये कि इरोजन होती है, इरोजन से जो है वो नई लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं होता। फ्लूवियल कास्ट, कास्ट आपको नहीं पता होगा तो चले नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि कास्ट क्या होती है, ये जर्मन वर्ड है और टेरेन इसका मतलब है, और कास्ट रीजन्स वो वाले रीजन्स हैं जो कि जिस जो के केमिकल्स होते हैं ना, सुनिए कि सॉफ्ट कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट की बनी हुई जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर, तो ये किसी वक्त भी बड़ी सॉफ्ट सी रॉक्स होती हैं, किसी वक्त भी गिर जाती हैं, और मतलब ये केव्स वगैरह और स्टैलेक्टाइट और
और स्टेलेगमाइट, ये दो इम्पोर्टेंट लफ्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, पेपर में भी आते हैं कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट क्या है। अगर इनकी डिटेल आगे मौजूद है तो मैं बता देता हूँ, वरना मैं जबानी। अच्छा, ये स्टेलेक्टाइट आ गया। स्टेलेक्टाइट जो है वो आइसिकल लाइक, आइस क्यूब लाइक जो है, जो कि आसमान से जो सीलिंग से हैंग कर रहे हैं ना, मतलब जैसे वो पॉइंटी से, जैसे खंजर होता है वैसी, सीलिंग से सीलिंग से लटकी हुई सूरत में होती हैं, उन्हें कहते हैं स्टेलेक्टाइट। केव्स के अंदर जो स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट के क्ले केव्स होते हैं, मूवीज में देखा होगा कभी आपने, जो स्टेलेगमाइट्स हैं जो ड्रॉप्स ऊपर से नीचे गिर रहे हैं उनसे फ्लोर पर जो पिलर्स बनते हैं उनको स्टेलेगमाइट्स कहते हैं। तो ये देखो केव्स के अंदर ये आपके स्टेलेक्टाइट्स, जो स्टेलेक्टाइट्स हैं वो मतलब ये के ऊपर छत पर हैं और उनसे बाद नीचे उनकी सीध में स्टेलेगमाइट्स बनते हैं जो उनके ड्रॉप से ऊपर नीचे बनते हैं। तो जी ये बेसिक्स आपके लिए है कि स्टेलेगटाइट्स क्या होते हैं, स्टेलेगमाइट्स क्या होते हैं। तो अच्छा किया ये ओपन कर लिया आपके लिए, जरूरी समझना कि स्टेलेगटाइट्स और स्टेलेगमाइट्स का फर्क, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्लेशियर चलते हैं, आपको पता है ग्लेशियर चलते हैं जिससे ढेर सारी जो है वो चेंजेस आती हैं। अब जो ग्लेशियर बनते कैसे हैं, पहले स्नोफ्लेक होता है जो ग्रैनुलर स्नो फर्न और ग्लेशियर आइस, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है फर्न और ग्लेशियर आइस, ठीक है। तो फर्न कन्वर्ट होती है फाइनली ग्लेशियर आइस में। तो स्नोफ्लेक होता है जो आसमान से गिर रहा होता है, वो फिर ग्रैनुलर स्नो, जब मतलब ज्यादा से स्नोफ्लेक आपस में अटैच होते हैं, फिर जो ग्रैनुलर स्नो है वो आपस में अटैच होते हैं तो फर्न बन जाता है, फाइनली वो एक सख्त किस्म की ग्लेशियर आइस बन जाती है जो बड़ी सख्त होती है, आप उस पर हाइकिंग करें जो मर्जी करें, ठीक है ना। ये इस तरह से जो है वो ग्लेशियर के परस्पेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। बहरहाल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकी जो होता है वो उसका मुंह होता है ग्लेशियर का, तो हमारे इस परस्पेक्टिव में जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मतलब मैं ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना चाह रहा। विंड विंड्स वगैरह सी वेव्स जो है वो देख लेते हैं, सी वेव्स का अपना नॉलेज जो है वो कम होगा और हमारी जूलॉजी में भी इसका आता है। अच्छा, अब इनकी लेंथ होती है, पीरियड होता है और वेलोसिटी होती है, ठीक है। लेंथ, पीरियड और वेलोसिटी जो सी वेव्स होती हैं, और ये अल्टीमेटली लैंड फॉर्म्स और क्लिफ्स फॉर्मिंग और इस तरह से रिलेटेड चीज़ों में आपकी जो है वो हेल्प करती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म। इंसुलेशन एंड टेम्परेचर, ये जियोग्राफी के अंदर किस तरह से इफेक्ट करता है, देखो लैटिट्यूड्स होते हैं जो इक्वेट अलोंग द पैरेलल ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, उसे क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो क्या होते हैं, जो जमीन के बिल्कुल सीध में हो, हॉरिजॉन्टल हो, वो लैटिट्यूड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो है वो मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ हो, तो ईस्ट से वेस्ट लैटिट्यूड होगा और नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। 0 डिग्री आपका इक्वेटर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुने, ठीक है ना, ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके बाद में ज्योग्राफी में, ठीक है। जब हम मैप डिस्कस किया करेंगे तो उसमें ये चीजें दोबारा से बताऊंगा, लेकिन ये कि अभी से इनको ध्यान रखें। देखो इनमें डिफरेंट डिग्रीज बनी हुई है, 0 डिग्री, 30, जो 0 से 30 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है, 0 डिग्री साउथ, 0 to 30 डिग्री साउथ, ये देखो एस लिखा हुआ है, ये कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पर मतलब ये कि आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है। बाकी आपको पता है कि दिन और रात कैसे होते हैं, तो जमीन जो है वो 23.1 1/2 23.5 के एंगल पर टिल्ट है, और उसका सन की रेज जब डायरेक्ट पड़ती हैं तो वो जमीन अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के इर्द गिर्द भी घूम रही है, तो उसकी वजह से जो है वो दिन और रात भी होती है विद इन 24 आवर्स, और जो आपकी सीजनल चेंजेस हैं वो भी इसी वजह से ही होती हैं। अच्छा, अब आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये किस तरह से होती है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी। ये बल्कि लास्ट टाइम इसमें से एमसीक्यू आया भी था, किस लिहाज से कि फ्रेश वाटर क्या है, ब्रैकिश वाटर, सलाइन वाटर और ब्राइन वाटर। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो पार्ट्स पर मिलियन या पर थाउजेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर के अंदर सबसे
थोड़े साल्ट होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर सबसे थोड़े साल्ट है, उसके बाद ब्रैकिश वाटर के अंदर ज्यादा साल्ट है, फिर सेलाइन वाटर के अंदर ज्यादा साल्ट है, फिर ब्राइन के अंदर। जो इंपॉर्टेंट है वो ब्राइन है, वो 50 पार्ट्स पर 1000 हो तो वो ब्राइन वाटर कहा जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई है, जो रेड सी है ना वो आपके पास 49 पार्ट्स पर 1000 पे आ जाता है, मेडिटेरेनियन में 38 है, और जो आप सिमिलरली डिफरेंट की ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसमें 0.1 पार्ट्स पर 1000 साल्ट्स मौजूद होते हैं। तो ब्राइन वाटर में 50+ पार्ट्स पर 1000, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जी साल्ट से रिलेटेड, कि किस तरह से वो साल्ट डेंसिटी को भी इफेक्ट करता है, जितना ज्यादा साल्ट हो उतना ही ज्यादा चीजें जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, और मतलब ये कि जो ऐसी इलाके जहां पर जिनमें दरिया नहीं गिर रहे, मसलन सी हो गया, जैसे बाल्टिक ओशन हो गया, रेड सी इसे क्या कहते हैं, लेक्स हो गई हैं, या फिर क्लोज्ड सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ठीक है, ब्लैक सी हो गया, इनके ये क्योंकि बंद होते हैं तो उनसे क्या होता है कि आप लोगों की जो उनमें दरिया नहीं घेर रहे होते तो फ्रेश वाटर की इनटेक ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो वहां पर आपको सिमिलरली एनिमल्स और वेजिटेशन भी वैसी ही मिलेगी, इस तरह की नहीं मिलेगी जो कि आपको करेगी, ठीक है। तो आज के लिए मतलब ये कि जूलॉजी का आपको मतलब जियोग्राफी का बेसिक जो है वो मैंने आपको दिया है, ठीक है। अभी 5 मिनट की ब्रेक करते हैं।